हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एल सेक्शन का जड़ता गुण निकालेंगे। एल सेक्शन का जड़ता गुण गिविन पीपी अक्ष के परता निकालना है। यहाँ पर एक ये एल सेक्शन दे रखा है जिसकी डायमेंशन ये दी हुई है, ये 240 है, ये 40 है, ये 40 है, ठीक है। और इस सेक्शन से दूर इधर लेफ्ट में एक पीपी अक्ष दे रखी है जो इस यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस दी हुई है। तो इस पीपी अक्ष के परता कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंपोजिट सेक्शन को दो सेक्शन में ब्रेक कर देते हैं। या तो आप इधर ऐसे ब्रेक कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ब्रेक कर लो, ठीक है। ये दो सेक्शन बन गए मेरे पास, इसका नाम एच दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो दो आयत बन गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस पीपी अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इन सेक्शन का। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला जैसे बना दें, आपको पता है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो गिवन सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पीपी अक्ष के परता क्या होगा, अगर ये सेक्शन नंबर वन है, ये सेक्शन नंबर वन है, तो इस सेक्शन नंबर वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी अक्ष के परता हमें निकालना है। तो एक्स वार वन कह दे रहे हैं, अगले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बार एक्स टू कह दे रहे हैं, ठीक है। और ये आई एक्स वार वन होगा क्या, कैसे इसको निकालेंगे? तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो नीचे वाला रेक्टेंगल नंबर वन है ना, इसका एक अक्ष निकालनी है, वो ऐसी अक्ष जो इसके पैरेलल हो और इसके सेंट्रॉइड से जाती हो, मतलब बाई अक्ष, बाई अक्ष हो जाएगी। तो उसका बाई अक्ष पर देखिए, ये हम जानते हैं कि यहाँ पर वाई अक्ष आप आराम से निकाल सकते हो कि इसका जो सेंट्रॉइड है नीचे वाले सेक्शन का, मैं यहाँ पर आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इसके लिए अलग से बना ले रहे हैं, यहाँ हमने अलग से ये सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस सेक्शन को जरा आप देखिए, इस सेक्शन को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये बाई अक्ष लेंगे हम, बाई, ये बाई, ठीक है। क्यों लेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का हमें जो नीचे वाला सेक्शन है, इसका वाई वन एक्सेस ये मैंने मान ली बाई अक्ष पर, ठीक है। तो बाई अक्ष के पर तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस बार इसकी जो डेप्थ है वो ऐसी रखेंगे और इसकी ब्रेथ का क्यू करेंगे, ठीक है, अपॉन 12। ये मैंने कह दिया इसका बी वन है, ठीक है। तो इस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। अब हमें पीपी अक्ष के परता इस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये इसका जीवन कह दे रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे पीपी अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। इस अक्ष से, इस अक्ष के गुरुत्व केंद्र से जाने वाला, ठीक है, अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर, यानी इस अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही हमने क्यों लिया, क्योंकि इसके पैरेलल होनी चाहिए। इसके इस वाली अक्ष के परता हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। ये हमारे पास एच वन कहलाती है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला ये बनेगा। तो इस फार्मूले में अगर हम इसको फीड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, यानी ए हो जाएगा डी, ठीक, डी वन बी वन की पावर क्यू अपॉन 12 प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, वैल्यू हमें सभी पता है, हम निकाल लेंगे, ठीक है, फार्मूला लगा दिया। अब दूसरी वाली जो सेक्शन है उसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको चाहूँ तो बना सकता हूँ, ये अक्ष मैंने ले ली y1 अक्ष ले ली और इसका ये g1 कह दिया, ठीक है। अब इस ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसका भी हमें इस अक्ष के पर तक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। ये अक्ष मैंने कह दी y2, ठीक है, y2 और ये y2 सेक्शन नंबर 2 है। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इसका मान लीजिए गुरुत्व केंद्र कहीं यहां पर हमने मान लिया, इसको कह दिया g2, ठीक है, g2 हमने यहां पर कह दिया। तो चाहो तो इसको मैं अलग बना ले रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना लिया और इस रेक्टेंगल की ये वाली डायमेंशन मुझे दे रखी है, ठीक है, ये डायमेंशन कितनी है, 40 है, ठीक। तो ये मैंने 40 ले ली और यहाँ पर कहीं इस तरह से पीपी अक्ष दे रखी है, पीपी अक्ष, है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है,
इसका ये बाई टू अक्ष, ये बाई टू अक्ष और इसका ये जी टू। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास एच टू कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा आई वाई टू वार बराबर। ठीक है, अब हम इस अक्ष के परतल निकाल लें तो ये इसकी क्या है डेप्थ, तो डेप्थ तो हम ऐसे ही रखेंगे और इसकी विड्थ का क्यू कर देंगे अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12 ये बन गया। अब हमें पीपी अक्ष के परतल निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई ठीक है बार कहें या पीपी अक्ष कह दें। ठीक है, तो हमारे पास आई बार वाई टू प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हम यहां पर लगा देंगे। ठीक, तो इसका हमें ए टू तो हम निकाल ही लेंगे, एच टू और निकालना है। तो एच टू निकालने के लिए हम यहां पर इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक कितनी 100। ठीक है, और ये कितनी है 40, तो ये कितनी हो जाएगी 20। इसका सेंट्रॉइड पीपी अक्ष से कितने पर हो जाएगा 100 प्लस 20, यानी एच टू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा एच टू। तो यहाँ फार्मूला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका फार्मूला इस बार क्या होगा, डी टू और बी डी टू इंटू बी टू, बी टू का क्यू अपॉन 12 प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। चाहो तो इसको बड़ी ब्रैकेट से इस तरह से यूज कर लो। ठीक है, अब हमें फाइनली इसकी वैल्यू बस समझनी है, वैल्यू इस फार्मूले में लगा दें तो हमारे पास ये आई वार पीपी अक्ष के परतल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं यहां पर वैल्यू को लगा, यहां पर एक डायमेंशन और दी हुई है जिसको मैंने नहीं लिखा है, ये 120 दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, ये नहीं दिया हुआ होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 120 दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे वाला जो सेक्शन है इसके लिए हमने यहाँ पर इसकी डी जो है बाई एच के पर था 40 और इसकी विड्थ 240 का क्यू अपॉन 12 प्लस इन दोनों का इसका एरिया निकाल लिया, इतने गुणा इतना। ठीक है, और एच इसके लिए क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक कितनी 100। ठीक है, 100 है और यहां से यहां तक कितनी है, ये 240 का आधा 120, यानी 120 ये और 100 ये, तो कुल मिला के यहां से यहां तक जो एच वन है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 220। ठीक है, वहां मैंने निकलवाया था, देख लेना एक बार कि मैंने सही से निकाली थी एच वन या नहीं। ठीक है, 220 ही निकाली थी, अगर वहां कुछ मिस्टेक है तो आप यहां से देख लें कि यहां से यहां तक एच वन यानी दोनों पैरेलल एक्सेसों के बीच की डिस्टेंस, यानी पीपी एक्स और वाई वाई वन एक्स के बीच की डिस्टेंस मुझे चाहिए यहां से यहां तक 100, और ये टोटल मेरे पास 220 है, तो इसका सेंट्रॉइड इस एक्सेस से 120 पर होगा, तो 100 प्लस 120 बराबर 220 हो जाएगा, तो 220 एच वन हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पोर्शन में बात अगर करें तो इस अक्ष के पत्ता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो ये वाले डायमेंशन तो ऐसे ही रखेंगे 120, और जो उसकी सेकंड डायमेंशन है उसका क्यू करेंगे अपॉन 12, इन दोनों का एरिया प्लस में करेंगे गुणे इसकी ये एच टू है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पीपी अक्ष के पत्ता फाइनली हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, 580480×10^4, ये फाइनल आई डैश पीपी अक्ष के पत्ता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा निकल के। तो हमने यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करना सीख लिया है कि कैसे होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू।